अरे भगवान को गुस्सा क्यों नहीं आता जब इतनी गालियां देते हैं? तो गुस्सा उनको आता है, क्रोध उनको आता है जिनमें देह अभिमान होता है। शिव को अपनी देह है, है? अपना रथ है, रथ ही नहीं तो स्वार्थ भी नहीं, देह नहीं तो देह अभिमान भी नहीं होता। मुझे कोई गुस्सा आदि नहीं आता है। समझता हूं कि ड्रामा प्लेन अनुसार ये सब गालियां देने वाले भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं, इनका भी विचारों का कोई दोष नहीं है। तो देखो, मेरे नाराज होने की बात नहीं है। हाँ, समझता हूं ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो प्यार से समझानी देनी होती है, गुस्से की बात नहीं है। समझते हैं कि बेचारे अज्ञान अंधारे में फंसे हुए हैं, ना समझते हैं तो इनके ऊपर तरस भी पड़ता है। तो बाबा सब बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अगर तुम्हारी कोई ग्लानी करता है, गालियां देता है, तो क्या करना चाहिए? है? क्या करना चाहिए? सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए, चेहरे पर कोई भी शिकन, आंखों में कोई तुष्टता, लाल लाल आंखें नहीं करना चाहिए। फॉलो फादर। समझना चाहिए कि जो भगवान को गालियां देते हैं, सन्मुख आकर के भी गालियां देते हैं, यह बेचारे स्वर्ग के द्वार पर तो आ ही नहीं सकते। कौन? जो भगवान के सन्मुख होकर के भी भगवान को गालियां देते हैं, सन्मुख होकर भी जिनकी भावना पलटती नहीं है, तो क्या समझना चाहिए? अंदर अंदर में समझना चाहिए। उनके मुंह पर ये कहने की दरकार नहीं है कि तुम स्वर्ग के द्वार पर भी नहीं आ सकोगे।